नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है दूध और ब्रेड से एकदम क्रीमी मलाईदार कुल्फी बनाने की। बहुत ही टेस्टी कुल्फी लगती है ये खाने में, तो चलिए देख लेते हैं दूध और ब्रेड से कुल्फी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आधा कप यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई ली है। मलाई ऐड करने से इस कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम क्रीमी लगेगी ये। आधा कप यहाँ पर मैंने चीनी ली है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़े से यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, 4 हरी इलायची, इनको हम क्रश कर लेंगे। 2 यहाँ पर मैंने ब्रेड लिए हैं। अब सबसे पहले जो हमने ये 2 ब्रेड लिए हैं, इनकी हम किनारी ये कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी जो किनारी थी वो कट कर दी है, और इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लेंगे। टिक्की वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे काजू, जो हमने हरी इलायची ली थी उनको क्रश कर लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, और इनको हम सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया। आप देख सकते हैं कि अच्छे से पाउडर बन गया है। अब हमने जो ये 2 ब्रेड लिए थे, इनको भी हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, और इनको भी हम पीस लेते हैं। ये देखिए, ब्रेड भी हमने जार में डाल के इस तरह से क्रश कर लिए हैं। अब हमने जो दूध लिया था उसको गैस पे रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, और दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है तो गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे, और जो मिक्सी में हमने ब्रेड, चीनी, काजू सारी चीज़ें जो पीस के तैयार की थी उनको डाल देते हैं। गैस की फ्लेम अभी हम लो ही रखेंगे, पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। मलाई हमें एकदम फ्रेश लेनी है, ज़्यादा दिन की मलाई का यूज़ हमें नहीं करना है। मलाई डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर लेंगे, और इस दूध को हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे। हमने इसमें ब्रेड ऐड किए हैं तो ये दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसे बराबर से चलाते रहेंगे जिससे कि ये तले में लगे नहीं। मलाई और ब्रेड दूध में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये गाढ़ा नहीं हुआ है, तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको अभी थोड़ा हम और गाढ़ा कर लेते हैं। हम बराबर से तले में से लेते हुए चलाते रहेंगे, और किनारे पर जो भी मलाई चिपकेगी उसे भी हम हटाते रहेंगे। तो ये देखिए, अब दूध और ब्रेड का ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। कुल्फी बनाने के लिए मिक्सचर परफेक्ट है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। कुल्फी का मिक्सचर ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गुठली नहीं बनी है। यहाँ पर मैंने कुल्फी बनाने के लिए कुल्फी मोल्ड ले लिए हैं, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मार्केट में ना मिले तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इस तरह के छोटे ग्लास हर घर में मिल जाते हैं, तो आप इन ग्लासों में भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको दोनों में कुल्फी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन मोल्ड्स में ये कुल्फी के मिक्सचर को फिल कर लेते हैं। सारे मोल्ड हमने फिल कर दिए हैं, तो अब हम इनका ढक्कन लगा देते हैं। मोल्ड्स के हमने ढक्कन लगा दिए हैं। मैं यहाँ ग्लास में भी कुल्फी जमा के आपको दिखाऊंगी। तो ग्लास पर इस तरह से मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल ले ली है, इससे हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से,
तो अब इनको हम फ्रीजर में रख देते हैं। पहले हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, जैसे ये हल्के से सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें स्टिक लगा देंगे। अब इन मोल्ड्स को मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अभी हम इनको 2 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टिक लगाएंगे जब ये हल्की सी सेट हो जाएंगी। 2 घंटे हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुल्फी हल्की सी सेट हो गई है, तो इसमें अब हम स्टिक लगा देते हैं जिससे कि आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे मोल्ड में स्टिक लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मोल्ड्स में इस तरह से स्टिक लगा दी हैं। अब इनको दोबारा से हम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। कुल्फी हमारी बनके तैयार है। इनको मैंने 8 से 10 घंटे फ्रीजर में रखा है। एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है, तो पहले मैं आपको मोल्ड वाली कुल्फी निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको पानी में डिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पानी में घुमाने के बाद इसको हम इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे स्टिक को, और इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप देखिए एकदम क्रीमी मलाईदार हमारी ये कुल्फी बनके तैयार है। तो इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से मैं आपको अब ग्लास की भी दिखाती हूँ कि ग्लास की कुल्फी हमारी किस तरह से जमी है। तो इसको भी हम थोड़ा सा पानी में घुमा देंगे। ये देखिए ग्लास की भी कुल्फी हमारी एकदम अच्छी जम के तैयार है। तो ये देखिए 2 कुल्फी मैंने मोल्ड से निकाली हैं और 1 कुल्फी मैंने जो ग्लास में जमाई थी वो निकाल ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी मलाईदार हमारी ये कुल्फी बनके तैयार हुई है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी दूध और ब्रेड से एकदम क्रीमी मलाईदार कुल्फी बनाने की। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।